सुबह है, उमर चला गया स्कूल में और मैं और अलीज़ा है ना बाहर वॉक के लिए निकले हैं और मुझे ईयर लगा है जो मैं सुबह सुबह ये खा रही हूँ। बट कोई बात नहीं, बाय द वे आसपास अगर देखेंगे ना बहुत सुंदर हो रखा है सब कुछ, ग्रीनरी एकदम, छोटे छोटे फूल है। अच्छा जो मैंने सीड्स मंगाए थे ना उसमें ये बालसम भी हो गए थे, वॉज लाइक यार ये तो जंगली है ये क्यों भेजा मुझे, लेकिन बालसम भी हो गए थे। एनीवेज ये बहुत आगे निकल गई है। जो हाय मैम तो थक गई लेकिन इसकी एनर्जी कम नहीं हुई है तो हम लोग इतना चलकर आ गए ऊपर तक, मुझे अभी भी चढ़ा रही है और आगे चिड़ियाँ हैं और अलीज़ा को चिड़ियाँ बहुत पसंद है। फिर उसके बाद में मैं अपने घर पर वापस आ गई तो मैंने सोचा कि मेरे फ्रिज में जितनी भी मछली है ना मैं सबको एक ही बारी में साफ़ करने वाली हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। टाइम इससे सेव होगा कि एक ही बारी में मछली साफ़ हो जाएंगी, एक ही बारी में जो मैं धो देती हूँ सब कुछ वो धुल जाएगा। यहाँ पर है ना मैं सामने अपनी सीढ़ियों पर बैठ कर मछली को साफ़ करती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा पड़ता है खुला खुला सामने। तो यहाँ पर मेरे पास में तीन टाइप की मछली थी, यहाँ पर आप देख सकते हो हलवा और फिरकट रखी हुई है, ये जो वाइट वाली है ना ये पापलेट है जिसको मैं ऑलरेडी साफ़ करके रख चुकी हूँ। पापलेट, हलवा और फिरकट, तो ये तीन टाइप की मछली है मेरे पास में यहाँ पर और आधी मैंने साफ़ कर ली। देन आई रियलाइज्ड के मुझे है ना शूट कर लेना चाहिए था, तो ये बिल्ली भी आ गई है यहाँ पर खाने के लिए। तो मैं है ना नॉर्मली मेरी जो सामने की सीढ़ियाँ है ना उसी पर बैठकर साफ़ करती हूँ, तो एक ही बारी में साफ़ करने से मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे सीढ़ियों को भी बस एक ही बार क्लीन करना पड़ेगा, बार बार नहीं क्लीन करना पड़ेगा। और फिर मैं आराम से जब भी मेरा मन करेगा मछली पकाने का तब मैं अपने बस फ्रिज से निकाल लूँगी और उसको पका लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे मिली हुई है, फिर मछली के स्केल्स और ये सारी वहाँ पर गंदगी हो रखी थी तो मैंने इसको अपनी सीढ़ी को क्लीन करने के लिए ये स्पेशल रखा हुआ है ब्रश, तो मैं इसी के साथ में इसको क्लीन करती हूँ। अभी फ़िलहाल बारिश चल रही है इस वजह से मैं सीढ़ी पे आ जाती हूँ मछली साफ़ करने के लिए। जब मौसम सूखा होता है ना तब मैं बाहर ही जाती हूँ अपने बैकयार्ड में मछली वगैरह साफ़ करने के लिए, लेकिन राइट नाउ बारिश की वजह से मैं सीढ़ियों पर बैठ के साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में सारे स्केल्स मैंने हटा दिए, अच्छे से मैंने विम डाला और फिर अच्छी तरीके से घस दिया इस सीढ़ी को और फिर पूरी तरीके से क्लीन कर लिया। यहाँ पर मछली को भी मैंने अच्छी तरीके से एकदम अच्छे साफ सुथरे तरीके से धो के रख दिया। अब उनको मैं ऑर्गेनाइज करूँगी, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास तीन टाइप की मछली थी तो उन सबको अभी मैं क्लासिफाई कर रही हूँ अलग अलग डब्बों में डालकर, और फिर जब जैसे भी मुझे कन्वीनियंट पड़ेगा मैं बस अपनी मछली को निकालूंगी और उसको पका दूंगी। फिर मुझे दोबारा से उसको छकमारी करने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार मछली साफ करते बैठो, मेरा ऐसे में काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जब भी मेरे फ्रिज में मछली ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना तो मैं यही करती हूँ, फटाफट से सारी मछलियाँ निकाल लेती हूँ और फिर उनको एक बार में ही क्लीन करके रख देती हूँ, उससे मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम सब के लाइफ में ऐसे ही होता है ना, हम लोग अलग अलग तरीके बस खोजते रहते हैं कि बस किसी तरीके से हमारा काम कम हो जाए और टाइम बच जाए ताकि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकें। मैं गांव में रहती हूँ ठीक है, और मेरे यहाँ पर ये होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन मुझे इतनी कोई दिक्कत होती है ना इन सब की वजह से, मतलब कभी बाहर चले गए दरवाज़ा गलती से खुला रह गया, मतलब ये एक मिनट में आके कब जो बैठ जाएंगे ना समझ में नहीं आता ये मेंढक, और ये आसानी से बाहर नहीं जाते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ इसका यहाँ पर। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं ना इसको उठाती हूँ और दरवाजे के पास लेके जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर का रैक हटाया मेंढक नीचे कूद गया और फिर मैं कुछ कर नहीं पाई, जाने दो लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मेंढकों का यार, बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो एनीवेज तो आज शाम के लिए है ना मैं स्प्राउटेड मूंग के चीले बना रही थी, उसके लिए मैंने मूंग को स्प्राउट करके रख लिया था और उसके साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिए थे लहसुन की बहुत सारी कलियाँ डाल दी थी मैंने इसको पकाने के लिए, साथ में मैंने मिर्ची डाल ली थी, मेरे घर पर मिर्ची ख़त्म होने को थी इसीलिए देख सकते हो जो मिर्ची मैंने डाली है उनकी हालत खस्ता है। थोड़ा सा मेरे पास में फ्रिज में धनिया पड़ा हुआ था मैंने वो डाल दिया, उसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया और फिर इसको मैंने पीस लिया। यहाँ पर मेरा आटा भी तैयार है रोटी बनाने के लिए, दोनों गैस के ऊपर मैंने तवे चढ़ा दिए हैं, अभी इस वाले गैस के अंदर मैं इन चीलों को मिक्सी से ही डालूंगी क्योंकि बर्तन बचाने की निंजा टेक्निक हमेशा यूज़ करना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचे। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आई डोंट नो मेरा वॉइस ओवर कैसा जाएगा। एनीवेज तो ये जो चीला है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स करती हूँ उसको खाने के लिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इस वजह से।
तो अभी यहाँ पर मैं इसका फ्लेम कम कर दूंगी और मैं अभी अपनी रोटी बनाना स्टार्ट कर दूंगी। वीकेंड्स में है ना, मैं नॉर्मली अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। हफ्ते में एक बार मैं पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी के घरों में ना गंदगी जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से मैं हफ्ते में एक बार ऊपर की सारी सफाई कर लेती हूँ। लंबी वाली झाड़ू की मदद से मैं सारे पंखे वगैरह क्लीन कर लेती हूँ और ऊपर की सारी सफाई करती हूँ। तो ये जो बड़ी झाड़ू है ना, वो मुझे मेरी बहन ने रिकमेंड करी थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जो गाँव के घर होते हैं वो काफ़ी ऊँचे ऊँचे होते हैं। नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाता छोटी वाली झाड़ू से उसको साफ़ करना, लेकिन ये जो लंबी झाड़ू मुझे मिली है ना, ये बहुत बढ़िया है। तो इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा हद तक आसान हो जाता है। तो ये मुझे बहुत इस टेबल के ऊपर मैंने कलर ना लगाए थे, तो इसके अंदर मैंने पहले मॉर्निंग ग्लोरी लगाया था, मुझे याद है। मैंने कलर्स से उनको याद रखा हुआ है। ये ब्लू वाले के अंदर मैंने टोरिनिया लगाया था, ये तो ऑब्वियस सा है, दिखता है। अभी मैंने इनकी सीड्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा था मैं फेंक दूंगी, क्या कर लूँगी, इस वजह से मैंने थोड़े बहुत फ्लावर्स के साथ में इसके सीड्स भी लगा दिए। हाँ मेरा बच्चा, इसके अंदर मैंने आई थिंक कैलेंड्यूला लगाया है, जिसमें मैंने कैलेंडुला लगाया है। आती हूँ गुड़िया, इसके अंदर एस्टर है और लास्टली इसके अंदर क्राइसेंथेमम है। तो ये पूरे पांच मैंने भर के लगाए। इनके अंदर मैंने ना पॉटिंग मिक्स लिया है, मैंने पहली बार मैंने डायरेक्टली गार्डन सॉइल के अंदर नहीं लगाया, इसके अंदर मैंने थोड़ा कोको पीट लिया है एंड गार्डन सॉइल है और इसके अंदर मैंने डाल रखा है। और इसको मैंने रखा है हमारे टेबल के ऊपर ताकि अलीजा इधर तक ना आ जाए, लेकिन वो नहीं आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। एनीवेज, तो यहाँ पर ये सब कुछ मैंने करके रखा है और जब ये जर्मिनेट करेंगे तो अल्लाह चुनो। ओके चलो, तो फिर आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। साथ भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेंगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब सात पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है।